हेलो। हाँ हेलो। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम। मैं मानसी बात कर रही हूँ NBC 24 से। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी बात बताइए, बात रखिए आप अपनी। मैडम, हम लोग का सिलेक्शन बिहार SSC इंटर लेवल 2014 की बहाली के तहत हो गया था। श्रम संसाधन विभाग में हाँ LDC के हाँ पोस्ट पे हुआ है। अच्छा, ठीक मतलब है, और सिलेक्शन हम हो चुका है लोग आपका। को जी मैडम, जून 2022 में हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें हम लोग को पोस्ट अलॉट कर दिया गया, विभाग अलॉट कर दिया गया। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, उसके बाद सितंबर 2022 में हम लोग का काउंसलिंग, डिपार्टमेंटल काउंसलिंग होता है, वो हाँ डिपार्टमेंटल काउंसलिंग कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है। उसके बाद से जब विभाग जाते हैं, तब तो से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि दुर्गा पूजा बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, छठ पूजा बाद हो जाएगा, दीपावली बाद हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर में भी बोला गया कि हो जाएगा, 66वीं BPSC वाले लोग का, जिनका सिलेक्शन हमारे विभाग में हुआ है, उन लोग के साथ आप लोग को दे दिया जाएगा। उन लोग को दे भी दिया गया। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ज्ञान भवन में सबको सेरेमनी में बांट भी दिए। नियुक्ति पत्र हाँ, जो बांटे हैं। दे दिए। हाँ, ठीक तो है। और हम सारे विभाग में, बिहार SSC के तहत इंटर लेवल में जितना भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुआ है, ठीक हर एक है। विभाग में सबको पहले क्या किया गया है, सबका काउंसलिंग हो गया। उसके बाद में सबको पहले वेबसाइट पे डाल के कि हाँ, आपको ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा रहा है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा रहा है, आपको इतना तारीख से यहाँ ज्वाइन करना है, इतना तारीख से यहाँ ज्वाइन करना है, सब वहाँ जा जाके ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और ज्वाइनिंग होने के बाद जिस दिन CM सर, डिप्टी CM सर को छुट्टी मिला है, उस अनुसार सबका शेड्यूल तैयार कर दिया गया कि इस विभाग को इस दिन एक नॉमिनल सेरेमनी करा के कि हाँ, हम इतना लोग को नियुक्ति दे रहे हैं, हाँ जो तो वो सेरेमनी करा दिया गया। हमारे विभाग के मंत्री साहब का क्या कहना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करवाएंगे, हम आप लोग को सबसे पहले मंत्री जी से, मतलब मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी CM से ही नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे मतलब हम। उनका कहना है कि हम नहीं करवाएंगे, हम आपको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाँ हाँ तेजस्वी यादव हाँ से दिलवाएंगे। हाँ जबकि हर विभाग में जब ऐसे हो रहा है कि पहले सबको नियुक्ति दे दिया जा रहा है, सब वहाँ जा जाके ज्वाइन कर लिया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जब सर को, CM सर को समय मिला है, तब जाके सेरेमनी स्टार्ट हुआ है। ठीक लेकिन है, हमारे विभाग कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे ही नहीं। तो सिर्फ उसके बाद आप लोग को हम, आश्वासन दिया जा रहा है हाँ, अब। उसके बाद हम लोग जब विभाग जाते हैं, मंत्री हाँ साहब से हम मिले हैं मैडम, मंत्री साहब हाँ बोले हैं आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जाए तो फिर बोला गया हो जाएगा हो जाएगा। फिर प्रधान सचिव के पास गए तो प्रधान सचिव नहीं थे। प्रधान हाँ सचिव के PA सर जो थे, वो जाते के साथ इतना जो हुजूम गया, एक साथ इतना सारा बच्चा, तो कहते हैं क्यों चले आते हैं आप लोग, जब न तब उठ के चले आते हैं, क्या समझ के रखे हैं। अरे भाई, जब आपका नियुक्ति होगा तब आपको फोन कर दिया जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं ना होता है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट अब हो गए हैं, तभी आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। जी, सही बात है। उसके बाद भी हम लोग बोले कि सर बता दीजिए कब होगा, अभी हम क्या बता दें, आप लोग मतलब सर पे चढ़ जाते हैं। कितना लोग बोला कि सर, हम लोग को घर से प्रेशर है, गांव वाला बोल रहा है, सारा लोग का हो गया, हम लोग का नहीं हुआ। तो कह रहे घर से दूर रहिए मैडम, हम लोग महिला हैं, हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो वो भी तो उनका बोलना गलत है। हम गलत है। डायरेक्टर सर से मिले, डायरेक्टर सर से बोले कि सर हम लोग को कब करेंगे, तो बोले कि देखो, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि 13 दिसंबर के बाद तुम लोग का हो जाएगा जो, लेकिन हम तुमको कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब मंत्री सर के ऊपर है। मंत्री सर का वही हाल है, जिसके पास जाते हैं वो उस पे टाल देता है, वो वो उस पे उस पे टाल टाल देता देता है, है, सब उस एक पे टाल दूसरे पे देता है। टाल के बस बात को हाँ खत्म करना चाह रहे हाँ हैं। खत्म करना चाह रहे। और ऊपर से जब लड़का लोग जाना, रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया, हर सप्ताह में जाने लगा, तो उन लोग को सीधे सीधे धमकी दिया जा रहा है कि अच्छा तुम लोग को ही ज्यादा जरूरत है। अब मैडम, जिसका घर रक्सौल में है, पूर्णिया में है, सहरसा में है, कैसे आएगा रोज का रोज, हाँ, पॉसिबल रोज रोज नहीं आ सकता। सही कह रही हैं आप, ही नहीं है। तो नहीं उन बिल्कुल लोग का पॉसिबल कहना है नहीं है। कि इसी 10 लड़का अगर जा रहा है, तो तुम्हें 10 लड़का को नौकरी चाहिए, बाकी किसी को नौकरी नहीं चाहिए। लड़का अच्छा, आता है कि नहीं आता है, इससे आपको क्या मतलब है। जब सही बात 4 से 6 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, आप ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, तो है। अच्छा, अभी तक उनको मतलब देना 6 महीना नहीं हो गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अब तक है। नहीं 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 दिया गया है। सितंबर में बता तो रहे हैं कि हम लोग का 13-14 सितंबर को DV हो गया, उसके अच्छा बाद से सिर्फ बैठा के छोड़ दिया गया है। और वहाँ अच्छा सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जितने स्टाफ है वही काम कर रहे हैं, वही लोग पे विभाग चल रहा है।
उन्हीं लोग पे विभाग चल। और आप लोग जब भी किसी से मिलने की कोशिश करती हैं तो बदतमीजी करते हैं और बात को टाल देते हैं। ऐसा जवाब देते हैं, लड़का लोग को तो साफ बोला है कि तुम लोग को टारगेट कर लेंगे, हम विभाग में जा रहे हैं, आप क्या टारगेट कर लेंगे, टारगेट कर ज्यादा से लेंगे, ज्यादा सही आप बात हमको, है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप हमको बॉर्डर पे भेज देंगे और कुछ कर लेंगे, सही बात है। हमको खराब जिला दे देंगे और कुछ नहीं ना कीजिएगा, नहीं और कुछ तो, मेरा जान तो सैलरी नहीं रोक ले लेंगे, सही लीजिएगा। बात है। तब मंत्री साहब को 5 साल के लिए पोस्ट मिला है, 30 साल का सर्विस है अच्छा, 3 साल का और उनको सर्विस और एक मंत्री साल को, मंत्री जी को 5 साल का पोस्ट मिला है। मिला ही है। चुनाव का अच्छा मतलब क्या है, 5 साल का आपको पोस्ट हाँ, मिला है, पान का, 5 साल 5 साल बाद का आप बदल पोस्ट है जाइएगा, लेकिन मेरा जी। सर्विस नहीं ना बदलेगा, नहीं मेरा सर्विस तो सर्विस नहीं तो हमको बदलेगा, रिटायरमेंट तक रहेगा, सही बात है। लेकिन नहीं हम नहीं देंगे। पता नहीं हर कोई एक दूसरे पे टालता है, लड़का लोग को तो एकदम साफ बोला है तुम लोग टारगेट में आ गए हो, क्या टारगेट में आ गए हो, क्या मजाक बना के रखे, हर किसी भी विभाग में ऐसा स्थिति हम नहीं देखे जितना खराब स्थिति विभाग का है। जी हम समझ रहे हैं, आप जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से तो यही लग रहा है कि इसकी स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब है। यही रीजन है लड़का लोग जाने से डर रहा है, लड़का लोग को बोले कि और मीडिया में जाते जाइए हैं तो तो कहते हैं लड़का कि लोग का कहना टारगेट कर है दिया कि जाएगा, हाँ, लड़का लोग का कहना है कि अगर मीडिया में जाएंगे तो और हम टारगेटेड हो जाएंगे। टारगेटेड हो जाएंगे। हाँ अभी और लगातार मैडम सारे कैंडिडेट तो मीडिया में आके आंदोलन करते हैं, बट कहाँ किसी, हर हर विभाग में यही स्थिति अभी बनी हुई है। बीपीएससी आप देख ले, बीएसएससी देख ले, एसटेट सीटेट देख ले, सबका यही हाल है। जल संसाधन विभाग में बोला गया कि सीट नहीं है, ये नहीं है, तो उन लोग के लिए सब गए जाके करवाए, वहां के मंत्री कम से कम अच्छे हैं, मंत्री सुनते हैं, जी, हमारे यहाँ के तो मंत्री साफ सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही पता नहीं नहीं कौन चाहते। क्या डाल के रखे हैं अपने क्या कान में। आपके यहाँ के मंत्री साहब का नाम क्या है? सुरेंद्र राम। सुरेंद्र राम, ठीक है ठीक है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके बात को उन तक पहुंचाने का, और आप हमें कांटेक्ट की हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है, और जल्दी से आपका जो भी है वो काम जल्दी से पूरा हो जाए। मैडम कोई सामने आने को रेडी नहीं है, हर कोई तो एकदम डरा आप हुआ है, तो नहीं, तो डरने की हम जरूरत बोले नहीं कि है ना, कम आप से कम सबको विभाग चलिए, विभाग हाँ डरने जाएंगे की, ना, हम बोले कि ठीक है आप लोग से नहीं होता है, विभाग जाएंगे, रिपोर्टर मैडम को बुलाएंगे, कोई ना कोई रिपोर्टर, कोई एकदम तो ऐसा हम जरूर इंसान आएंगे, होगा आप ना, जाइए और आप हमें फोन करिए, हम जरूर आएंगे, ठीक है। आप जरूर हम विभाग जाइए और लोगों को बोलिए कि वो ना डरे, अपने, उनके हक की लड़ाई है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं या फिर कोई बोले कि चोरी नहीं सर्विस कर रहे हमको हैं। किसी दबाव में नहीं मिला है, हाँ कहीं पैसा किसी, दे के नहीं मिला हाँ है, मेहनत आप से लोग मिला है। मेहनत करके, पढ़ाई करके पास आउट हुए हैं, तब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, आप लोग चोरी नहीं किए हो, आप लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, आप लोग की हक की लड़ाई है तो आप लोग उसे लड़िए, ठीक है। और आप जरूर सबको बोलिए सामने आने के लिए, मैडम और यहाँ सब लोग सैलरी उठा रहा है, सब लोग का अभी एग्जाम चल रहा है, कितना लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, और यहाँ जी ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है। ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं है जी, मैं समझ रही हूँ। नहीं, तो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप लोग जो भी हैं, आप सबको कहिए कि सब लोग सामने आए, और हम जरूर कोशिश, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद करें, और हम जरूर पहुंचेंगे आप जहाँ बोलेंगी। जी मैडम।